नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी का तीसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहला और दूसरा लेक्चर ना देखा हो तो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पहले और दूसरे लेक्चर को देख लें, जिससे आगे वाले जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको पढ़ाऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण ऐसी शब्दावलियां हैं जिनको हम पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि ये क्या होता है, तो आगे हमको इसको प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता क्या है? जब कोई एक बीजाणु या बीज की वृद्धि का आरंभ होता है, यानी कि कोई ऐसे बीज है, ये बीज है, इसके बीज की वृद्धि का आरंभ होता है। जब ये आरंभ हो जाएगा, इसकी सुषुप्ता अवस्था टूट जाएगी और ये पौधे का रूप लेना स्टार्ट कर देगा, तो ये जो स्टार्टिंग वाले फेज होता है उसी को हम कहते हैं अंकुरण। फिर अगला है अंगमारी यानी कि ब्लाइट। ब्लाइट को आप याद कर सकते हैं जैसे ब्लास्ट। कैसे? ब्लास्ट। ब्लास्ट कब होता है? जब आग लगती है। ठीक, ब्लास्ट कब होता है? जैसे कहीं आग लग गई तो ब्लास्ट हो गया। ठीक, आग लगने से ब्लास्ट याद कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि जैसे आग लगने पे पत्तियां, जैसे अभी किसी पेड़ के नीचे आग जला दो तो आने वाले 15-20 दिन में उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, ठीक उसी प्रकार के सिम्टम इन पत्तियों पे उभरता है। जैसे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं, लेकिन जब ब्लास्ट लगता है तो इसे आधी आधी पत्तियां सूख जाती हैं, पत्तियां ये झुलस जाती हैं, लगता है जैसे किसी ने इसने इस पर आग की लपटें लगा दी हों, जिससे ये सूख जाती हैं। तो ये क्या होता है? ब्लास्ट। एक अति प्रतिबंधित ऊतक क्षयी लक्षण जिसको प्रबंधित नहीं किया जा सकता, बहुत तेजी से फैलता है, जिससे पौधे के संपूर्ण भाग जैसे पत्ती तने के ऊतक की मृत्यु हो जाती है और अचानक झुलस जाते हैं। फिर अगला क्या है? अंड। अंडा क्या है या अंडगोल क्या है? अंडगोल होता है जिसमें अंडा रहता है, जिसे शुक्राशय होता है उसी तरीके से अंडगोल होता है। अंडधानी में एक बड़ा नग्न अनिषेक मादा युग्मक रहता है जो अनिषेचित रहता है, और एक बड़ा सा जो अंड रहता है अंडधानी में उसको हम क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। ठीक, अब अगुणित क्या होता है यानी कि हैप्लॉयड। जैसे कोई क्रोमोसोम नंबर होता है, जैसे जेनेटिक्स में मैंने बताया था, तो क्रोमोसोम नंबर होता है तो उसके साथ एक वो डबल पेयर में रहते हैं। ठीक, कोई भी क्रोमोसोम होगा तो वो डबल पेयर में रहेगा, जैसे एक ये और एक ये, अगर ये ग्रीन है तो दोनों ग्रीन ग्रीन, समझने के लिए आसानी से बता रहा हूँ, ग्रीन में क्यों होते नहीं है ग्रीन, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन, ये दोनों ग्रीन ही रहेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड, क्योंकि ये दो रहते हैं। अब हैप्लॉयड का मतलब एक, अगर केवल एक ही रहेगा, जैसे इसमें देखो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, इधर भी है, देखो सबके कलर अलग अलग हैं, अलग कलर का मतलब कि सब ये अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉयड कहते हैं। फिर हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया समझने के लिए, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, ठीक, हाइपर मतलब तीव्र होता है या ज़्यादा होता है, और प्लेसिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेल डिवीज़न जब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जब सेल डिवीज़न किसी पौधे में अचानक सेल डिवीज़न बढ़ जाता है, उससे जो समस्या उत्पन्न हो जाती है पौधों में उसको हम कहते हैं अति वर्धन। वर्धन से हम समझ सकते हैं, वर्धन मतलब वृद्धि, तो सेल डिवीज़न में अगर वृद्धि हो गई एक बैग एकाएक, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर प्लेसिया। दो शब्द हैं, एक हाइपर प्लेसिया है और एक हाइपर ट्रॉफी है, तो इन दोनों में समस्या होती है, समझने में मतलब कन्फ्यूजन होने लगता है। एक में सेल डिवीज़न बढ़ता है और एक में सेल का आकार बढ़ता है, तो हाइपर ट्रॉफी जो होता है, हाइपर मतलब अति या ज़्यादा और ट्रॉफी का मतलब होता है, जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखी है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुछ ऐसे ऐसी टाइप से होती है, ऐसे ऐसे तो होती है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अब इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ छोटा था पतला था, फिर यहाँ आके एक बैग ऐसे मोटा हो गया, ये मोटा हो रहा ना एक बैग,
तो एक बैग जो ये मोटा हो गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। मान लो ये कोशिकाओं का बना था, तो यहाँ ये छोटी छोटी कोशिकाएं थी, छोटी छोटी कोशिकाएं थी, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि ये कोशिकाएं एक बैग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर ट्रॉफी। तो ये हो गया हाइपर ट्रॉफी, अगर कोशिका का आकार बढ़ रहा है, ठीक, ओवर ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर ट्रॉफी कहते हैं। और अगला क्या है? और उसके बाद ये हाइपर प्लेसिया, तो एक में सेल का आकार बढ़ता है, इसमें हाइपर ट्रॉफी, हाइपर ट्रॉफी में सेल का आकार बढ़ता है और हाइपर प्लेसिया में सेल डिवीजन बढ़ता है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता था, लेकिन जब ट्रॉफी से समझ गए कि हाँ इसमें सेल का आकार बढ़ेगा तो इसमें सेल डिवीजन बढ़ेगा, ठीक, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। आगे देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है संवेदनशीलता, मतलब किसी चीज के प्रति कितना कोई चीज संवेदन है, संवेदित है, और हाइपर मतलब अति या ज्यादा। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है जैसे कोई रोग है, ठीक, कोई रोगजनक है, यानी कि कोई पैथोजन है, तो ये जो पैथोजन अगर किसी पौधे पे लग गया, किसी एक पर्टिकुलर पौधे पे लग गया, तो वो पौधा बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाएगा और बीमार होने के बाद मर जाएगा। जैसे आसानी से ऐसे समझ सकते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको अगर थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लिया या थोड़ी सी भी अगर बरसात में भीग गए तो उनको तुरंत खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा, तो वो ठंड के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, मतलब उनको अगर थोड़ी सी भी सर्दी हुई तो उनको तुरंत ये खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा। तो इस टाइप को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। अनिषेक जनन, पैथोजेनेसिस क्या होता है, सॉरी पैथोजेनेसिस नहीं, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, निषेचन के बिना अकेले मादा युग्मक से जन्म, ठीक, फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द फीमेल गैमेट एलॉन विदाउट मेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है वो मादा बिना बिना मेल के, फर्टिलाइजेशन के बिना ही, मेल के फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। जो कुछ समय, जो इस समय कुछ सीड आ रहे हैं या सॉरी कुछ फल आ रहे हैं, जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, पहले इसमें सेब हो गया तो सेब में भी आने लगा, तो ये जो फल होते हैं इनमें पहले बीज हुआ करता था, लेकिन अब इसके अंदर सीड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, यानी कि ये पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसमें मेल का काम नहीं लगता है। फिर रॉगिंग क्या होती है, जैसे मान लो कि इतना बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड में आपने धान लगाया है, अब धान लगाने के बाद पता चला यहाँ एक पौधे में, यहाँ एक पौधे में, यहाँ 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 इन पौधों में रोग लग गया कोई, तो इनको उखाड़ के फेंक देना, खेत से निकाल देना, इनको डिस्ट्रॉय कर देना ही कहलाता है रॉगिंग, ठीक। जो डिजीज पौधे होते हैं, अनवांछनीय पौधे, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं या डिजीज प्लांट होते हैं, इनको ग्रोइंग क्रॉप से निकाल देना कहलाता है रॉग। उसके बाद हैबिटेट, हैबिटेट यानी आवास, जो नेचुरल प्लेस होता है किसी पौधे के ग्रोथ का, किसी चाहे पौधे का ग्रोथ ले लो, चाहे किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ले लो, किसी एनिमल का या किसी आदमी का ग्रोथ ले लो, तो जो उसका प्राकृतिक प्लेस होता है, जैसे आदमी जंगल में तो रह नहीं सकता, पानी में रह नहीं सकता, जो प्राकृति ने उसके लिए आवास दिया है, जैसे वो पृथ्वी पर रहेगा और ग्रुप में रहेगा, ठीक, जानवरों से, जंगली जानवरों से, खतरनाक जानवरों से दूर रहेगा, जैसे आदिवासी भी जो रहते हैं वो भी जंगली जानवरों से दूर ही रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। कोई पौधा जो किसी पौधे के रहने का नेचुरल प्लेस या ग्रोइंग का नेचुरल प्लेस ही हैबिटेट कहलाता है। फिर डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ एक फंगल डिजीज होती है जो अधिकतर जर्मिनेशन के समय पौधों में लगती है, जब पौधे थोड़ा जर्मिनेट होते हैं तभी लगती है। इसमें क्या होता है कि पौधे, ये मान लो जमीन है, ये नीचे जड़ है और ये ऊपर पौधा है, ये उसकी पत्तियां वत्तियाँ लगी हैं, तो ये जो नीचे यहीं से सूख जाएगा और सूखने के बाद ये पौधा ऐसे जमीन पर लिट जाएगा, जैसे इसमें ये देखो लिट गया, ये जिसकी जड़ थी इधर, ये जड़ है और यहाँ नीचे से ही ये सूख गया पौधा, अभी स्टार्टिंग में ही जर्मिनेशन के समय सूख के गिर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग मतलब डंप करना किसी चीज को, जैसे कहीं
कहते नहीं है कि मिट्टी उठा उठा के लाते हैं, डंप कर देते हैं, या को जो कचड़ा होता है शहर का कूड़ा करकट, इसको भी लेके जाके एक जगह डंप कर देते हैं। इसी तरीके से डंपिंग ऑफ का मतलब समझ सकते हो कि ऐसा सीधा पौधा है जिसे नीचे एक जगह आके ऐसे गिर गया, एक जगह आके गिर गया तो डंपिंग ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब भी जैसे ऑफ करना मतलब बंद हो जाता है, तो ऊपर ऐसे सीधे सीधे खड़ा था, नीचे ऐसे लटक गया, सूख के गिर गया, जमीन पे आ गया, ऐसे लंबा हो गया, तो क्या हो गया, डैम्पिंग हो। फिर मिल्ड्यू, ये पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दो प्रकार के होते हैं। इसको हम आगे बताएंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है। बस इतना समझ लो कि ये जो फंगल ग्रोथ होते हैं, सफेद सफेद पाउडर टाइप का चूरण फंगल मिल जाता है पत्तियों पर, इसे को हम क्या कहते हैं, आसिता कहते हैं या मिल्ड्यू कहते हैं। ये कवकीय वृद्धि होती है, जो सफेद सफेद जो दिख रहे होते हैं ये कवक होते हैं, और ये पौधे और दूसरे जीवधारियों के पृष्ठ पर, यानी कि चाहे तने के पृष्ठ पर मिले चाहे पत्ती के पृष्ठ पर मिले, लेकिन ये ऊपरी भाग पर ही मिलेंगे। तो ये हो गया मिल्ड्यू। विरुलेंट, कोई एक ऐसा रोग कारक, रोग कारक का मतलब कोई एक ऐसा पैथोजन जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता बहुत तीव्र हो, मतलब इधर रोग लगा नहीं और इधर पौधा मर गया, तो उस प्रकार के पैथोजन को हम क्या कहते हैं, वीरुलेंट कहते हैं। फिर वीरुलेंस क्या होता है, जैसे एक एक्सीलेंट होता है, और एक्सीलेंट जो होता है उसको हम एक्सीलेंस बोलते हैं, एक्सीलेंट काम एक्सीलेंस स्किल के साथ किया जाता है, तो उसी प्रकार जो वीरुलेंट होता है वो वीरुलेंस की एक स्किल के साथ काम करता है, यानी कि रोग उत्पन्न करने की योग्यता। वीरुलेंस मतलब रोग उत्पन्न करने की योग्यता। जो वीरुलेंट होता है इसमें वीरुलेंस टाइप का रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, बिल्कुल एकदम एक्सीलेंस, जैसे एक्सीलेंट से एक्सीलेंस बना है वैसे वीरुलेंट से वीरुलेंस बना है। ठीक, जो ये रोग उत्पन्न करने की, तीव्र रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो ये रोगजनक में पाई जाती है। फिर अगला क्या है, म्यूटेशन, सडनली हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटिपिक करेक्टर और फेनोटिपिक करेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लांट, यानी कि किसी जीन या गुणसूत्र के आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी पौधे में विशिष्ट लक्षण का अचानक प्रकट हो जाना। सडन अपीयरेंस ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम इन प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल चेंज इन द जीन और क्रोमोजोम, यानी जीन और क्रोमोजोम में अचानक परिवर्तन की वजह से पौधों में जो विशिष्ट लक्षण अचानक प्रकट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, रोग जनक द्वारा परपोषी में भेदन, उसमें पेनिट्रेशन इन्फेक्शन करना, और उसमें प्रथम सिम्टम का उत्पन्न होना। जैसे मान लो कि आज मुझे किसी ने खांसा और खांसने के बाद मुझे कोरोना हो गया। ठीक, आज मैं बाजार गया और किसी ने खांसा वहां और सांस के थ्रू वो कोरोना वायरस मेरे शरीर में पहुंच गया। अब वो कोरोना वायरस मेरे शरीर में पहुंचा और जब तक उसने अपना सिस्टम सिम्टम उत्पन्न किया कि मतलब मुझे खांसी आना सांस फूलना शुरू हुआ, इनके बीच के जो 14 दिनों की अवधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फिर इरेडिकेशन होता है, उन्मूलन, पादप रोग निरोध का सिद्धांत, जिससे किसी निश्चित क्षेत्र में रोग के प्रतिस्थापित हो जाने के बाद उसके रोगजनक को नष्ट करना या हटाना। जैसे मान लो कि गेहूं, गेहूं बोया था, गेहूं ना समझो धान समझ लो, क्योंकि धान इस समय कट रहा है, तो धान मान लो धान की बुआई हुई थी। अब धान में एक बहुत खतरनाक बीमारी लग रही है, पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें गांव में लोग कहते हैं हरदिया रोग लग गए, हरदिया जाद धनो, तो वो जो होता है फाल्स स्मट होता है। अब हमने धान की कटाई कर ली, लेकिन अभी जो उसके स्पोर थे, उसके जो माइसीलियम थे फंगस के, अभी भी खेत में हैं, तो हम उसमें फंगिसाइड डालकर मिट्टी में, और जो उसके रेजिड्यू बच गए हैं, प्लांट पार्ट जो बच गए हैं कंबाइन से कटाए हो, तो जो उसके तने और डंठल और सब चीज खेत में पड़े हुए हैं उनको नष्ट करना क्या होता है, इरेडिकेशन, फसल कटने के बाद। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेडिकेशन। अब ऊतकक्षय या नेक्रोसिस, ऊतकक्षय या नेक्रोसिस क्या होता है, पादप कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु हो जाना। ये देखो ऊतक ऐसे मर जा रहे हैं,
पत्तियां वैसे हरी हरी थी, लेकिन यहाँ देखो सूख सूख के इसे कड़ी कड़ी हो गई, टाइट टाइट वे सूख गई, इनको इसे छूओगे तो टूट के गिर जाएंगी। तो यह होता है नेक्रोसिस। उसके बाद स्मट, यही बीमारी लग रही है, फाल्स स्मट इसका नाम है। ठीक, देखो धान में ये लगा है, धान में इस समय ये बहुत लग रही है बीमारी, ये फंगस की वजह से होती है। ए डिजीज इन विच द क्लस्टर ऑफ फंगल स्पोर, मतलब फंगल स्पोर के क्लस्टर, यानी कि देखो झुंड झुंड में है, ये क्लस्टर ऐसे बनाए हुए हैं, आर फाउंड ऑन द प्लांट ऑफ इन्फेक्टेड, ऑन द पार्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब इन्फेक्टेड प्लांट के किसी एक पार्ट में ये स्पोर इसके लगे हैं, क्लस्टर स्पोर। ये सिमिलर होते हैं पाउडर के तरह, ये पीला पीला पाउडर टाइप का होता है, लगता है जैसे हल्दी का पाउडर, इसीलिए हल्दी और रोग इसे भी कहते हैं, गांव में कहते हैं, किताब उताब में नहीं बहोगे, ये तो नॉर्मल समझने के लिए मैंने कह दिया। फिर आगे क्या है, कवक जाल यानी कि माइसीलियम, ढेर सारे कवकों का एक समूह जिसमें बहुत ढेर सारे कवक हों उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा जब तापमान में आर्द्रता हो, जैसे बरसात बरसात के समय में ब्रेड को ज़्यादा देर तक अगर बाहर रख दो तो उस पर ऐसे हरे हरे टाइप के फफूंद निकल जाते हैं, तो फंगस होते बहुत छोटे हैं, अगर उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक एक फंगस अलग अलग देखने के लिए बहुत जूम करना पड़ेगा, लेकिन हमको नंगी आंखों से दिख जाता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ढेर सारे फंगस का एक समूह होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। फिर अगला क्या है, हाइफा। अब जो ये फंगस होता है माइसीलियम, अगर इसको हम जूम करते जाएंगे जूम करते जाएंगे तो हमको ऐसे 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 फंगस दिखेंगे, तो ये जो फंगस दिखते हैं उनके जो ये स्टेम दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, कवक जाल का एक लंबा शाखीय तंतु, जो ये पतला पतला ये दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। ये बहुत जूम होने के बाद दिखता है, नहीं तो इस तरीके से दिखेगा पहले माइसीलियम, लेकिन माइसीलियम को जब हम बड़ा करेंगे तो ऐसे दिखेगा ये। ठीक, ऊपर ये लगे होते स्पोर होते हैं, और फिर उसके बाद फंगीसाइड यानी कि कवकनाशी, जो कवकों को मारे, वो केमिकल जो कवकों को किल करे या कवकों को डिस्ट्रॉय करे, उसको हम क्या कहते हैं, फंगीसाइड कहते हैं। फिर रोग क्या होता है, रोग डिजीज इज ए कॉज दैट कॉजेज मेनी हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंज इन द प्लांट। रोग एक ऐसा कारक होता है जिससे पौधे में कई प्रकार के हानिकारक शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे उसकी क्रियात्मक परिवर्तन, मतलब क्रियात्मक परिवर्तन का मतलब उस फिजियोलॉजिकल परिवर्तन, यानी कि फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाना, ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, उसकी देखने वो जिस तरह से दिखता था, उसकी वृद्धि विकास आदि चीज में हानिकारक अगर परिवर्तन हो गया तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। दिस कैन हैपेंस ओनली रीजन बट मोस्टली दिस कैन हैपन मेनी रीजन, ये कई कारणों से होता है, बट मोस्टली इज ड्यू टू द बायोलॉजिकल रीजन, ये होता तो कई कारणों से है लेकिन मोस्टली ये जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल रीजन से ही होता है। फिर अगला क्या है, डिसऑर्डर। एक तो डिजीज होता है, ये ज़्यादातर किससे होता है, बायोलॉजिकल कारक से होता है। दूसरा क्या है, डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर जो होता है ये किसी अजैविक कारक की कमी से होता है, अजैविक कारक से होता है, जैसे किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई या किसी न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी हो गई तो इससे क्या हो गया, रोग लग गया। जैसे धान में खैरा रोग जो लगता है, धान में जिंक की कमी से खैरा रोग लग गया, तो जो खैरा रोग लग गया इसको हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। जैसे लीची में फ्रूट क्रैकिंग लगता है, फ्रूट ऐसे क्रैक हो जाता है, लगता है जैसे इसे फट गया है। केले में भी फ्रूट क्रैकिंग लगता है, तो ये किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से। बोरान की कमी से टमाटर भी ऐसे होता है, टमाटर भी फट जाता है, पकने के बाद पकते समय ये फट जाता है, तो ये पोषक तत्वों की कमी से हो रहा है, तो ये इसका फटना या खैरा रोग ये सब क्या है, डिसऑर्डर है। थैंक्स फॉर द अटेंडिंग माई क्लास, इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विथ सुगा एग्रीकल्चर क्लासेस विथ विजय कुमार गिरी। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।